नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 230 सीटों पर वोटिंग जारी है। छिटपुट मामलों को छोड़कर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक मध्य प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक 60.52% वोटिंग हो चुकी है। मध्य प्रदेश में शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और मतदान के लिए लोगों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। हर वर्ग के लोग घरों से निकलकर वोट डालने पहुंच रहे हैं। वहीं दिग्गज नेता भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी अमृता रॉय ने भोपाल में वोट डाला। वहीं दिग्विजय सिंह ने मुरैना में हुए हिंसा पर बात की। उन्होंने कहा कि मैंने एमपी और एसपी और कलेक्टर से बात की है, वहां कोई घटना हुई है, लेकिन एसपी का कहना है कि अब हालात शांतिपूर्ण है और वोटिंग हो रही है। जबकि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जब उनसे सीएम चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, मैं कभी इस रेस में नहीं था, ना तो 2013, 2018 और ना ही साल 2023 में। हमारी रेस विकास की है, कुर्सी की रेस कांग्रेस की है। वही केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में वोट डाला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की लहर है, बीजेपी के पक्ष में माहौल है और लोगों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं और विकास काम काफी पसंद आ रहे हैं। बीजेपी अब स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, मैंने अपना वोट डाल दिया है और यहाँ भी माहौल बीजेपी के पक्ष में है। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है और मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर लगातार सुबह से वोटिंग जारी है, जो कि तकरीबन 1 घंटे का समय और वोटिंग में शेष रह गया है। और देखिए, ग्वालियर में भी तमाम दिग्गज नेताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इस दौरान महिलाएं व्हीलचेयर से भी अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंची। ज्यादातर जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग जारी है। छुटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया जारी है और शाम 6 बजे तक जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस दौरान 230 प्रत्याशी ऐसे है जिनकी किस्मत आज कैद हो जाएगी ईवीएम में। अरविंद वर्मा छिंदवाड़ा से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अरविंद, देखिए, अब 1 घंटे का समय और शेष रह गया है जब जनता अपने घरों से बाहर निकलेगी, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। लेकिन अगर हम छिंदवाड़ा में वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है अरविंद? वोटिंग परसेंटेज, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि वोटिंग परसेंटेज छिंदवाड़ा जिले में 3 बजे तक का भी मैं बता रहा हूँ, 3 बजे तक 70% वोटिंग हो चुकी थी। ठीक है, देखिए अरविंद, 70% एक बड़ा आंकड़ा है। अगर हम पिछले चुनाव से कंपेयर करें तो क्या ये जो वोटिंग प्रतिशत है जिसका आपने जिक्र किया, ये बढ़ा है क्या? जी जी बिल्कुल, 100% बढ़ा है वोटिंग परसेंट इस बार। देखिए अरविंद, लगातार कई जगह ऐसी थी जहां से छुटपुट घटनाओं की भी खबर सुनने को मिली है, देखने को मिली है, तो क्या छिंदवाड़ा में भी कोई ऐसी खबर आप तक पहुंची है या शांतिपूर्ण तरीके से मतदान पूरे जिले में जारी है? नहीं नहीं, छिंदवाड़ा जिले में तो ऐसा कोई घटना तो नहीं हुई है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। और कुछ जो इससे पहले भी जो आपको मैंने बताया था कि छिंदवाड़ा विधानसभा में ग्राम सहपुरा में कि जो ग्रामीणों ने चुनाव में वोट ना डालने का अपना विचार बना लिया था तो वो उसी में कायम रहे। बस छिंदवाड़ा विधानसभा में एक बूथ ऐसा था कि जहाँ पे वोटिंग नहीं हुई है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद अरविंद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रचार समिति के प्रमुख नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर के मुरार स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में अपना वोट डाला है। मतदान के बाद मीडिया कर्मियों से नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो रुझान दिख रहा है उसमें बीजेपी को ज्यादा समर्थन है। मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। वही चंबल से मुख्यमंत्री होने के सवाल पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में पदों की रेस नहीं है, यहाँ जीतने की प्रतिस्पर्धा है, इसलिए 150 से ज्यादा सीटें आए, इस लक्ष्य को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। चुनाव में हिंसा पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि चुनाव में हिंसा का कोई काम नहीं है, कांग्रेस के लोग भयभीत हैं, हार के भय से झगड़े की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जगह बीएसपी के लोग कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है, सब समझती है। बढ़ चढ़ के जनता मतदान केंद्र पर आ रही है और जो रुझान दिख रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन अधिक है। मुझे पूरा विश्वास है
जो प्रदेश भर में वातावरण है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल हो। ये भी कहा जा रहा है सर कि अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो इस बार चंबल से मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी में पदों की रेस नहीं है। ग्वालियर में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ जो लगातार जारी है। मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। पूरे जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। वहीं वोटिंग को लेकर हर वर्ग में जोश देखा जा रहा है। बुजुर्ग दिव्यांग अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। वहीं दोपहर 12 बजे ग्वालियर में 28% की वोटिंग हो चुकी है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया और मतदान के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। काल के बाद करके दिखाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है एक एक व्यक्ति को मध्य प्रदेश में सशक्त बनाया है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, और पूर्ण रूप से बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। अब खबर ग्वालियर से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी साहब सिंह गुर्जर पर बीएसपी कार्यकर्ता को धमकाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। तिगरा थाने की पुलिस ने बीएसपी जिलाध्यक्ष सतीश मंडेलिया की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। साहब सिंह गुर्जर ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी है। उन पर टीपू जाटव नाम के बीएसपी कार्यकर्ता को धमकाने का आरोप है। धमकाने का ऑडियो भी वायरल हुआ है। पीड़ित दीपू ने वीडियो मैसेज भी वायरल कर दिया है। साहब सिंह गुर्जर मेरे को धमकी दे रहे थे, हाथी वाले झंडे पंडे फेंक दे, तू मेरा आदमी है, तू क्या कर रहा है, तेरे को क्या चाहिए, मेरे तो बोल, तेरे को आशीष दूंगा, क्या चाहिए तेरे को, मेरे तो मांग। मुन्ना सिंह जाटव, रामप्रसाद कपूरा, दोनावली ग्वालियर जनपद। साहब सिंह गुर्जर धमकी देने मेरे फोन पर धमकी दी, तो मेरे को कुछ घटना हुई तो साहब सिंह गुर्जर, मुन्ना सिंह जाटव जी दो लोग मेरी मौत के गवाह होंगे। जिन्हें मरवाएंगे तो दूसरे मरवाएंगे, दूसरे नहीं मारेंगे तो दूसरे मरवाएंगे, तो मेरी मौत के ये दो लोग गवाह है। खबर छतरपुर से है, जहां राजनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाते राजा को बचाते वक्त उनके राइट हैंड सलमान खान की गाड़ी से कुचलकर मौत हो गई है। सलमान खान गुरुवार रात भाजपाइयों द्वारा बांटी जा रही शराब का विरोध करने विक्रम सिंह नाते राजा को रनीफाल रोड अकोना क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में पहुंचे थे। रात 2 से 3 बजे के बीच में भाजपा समर्थकों ने रास्ते पर गाड़ी लगाकर गोलियां दी थी और कांग्रेस प्रत्याशी रक बंदूक तान दी थी। उनको बचाने निकले सलमान खान के ऊपर 20 से 25 लोगों ने धारदार हथियार और कुल्हाड़ी डंडों से वार कर दिया, जिससे वो नीचे गिर गए। उसके बाद हथियार से लगातार 6 फायर किए गए और सलमान पर गाड़ी चढ़ाकर हमलावर भाग निकले। इस मामले में बीजेपी प्रत्याशी अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश का आरोप लगाते हुए नजर आए। मतदान के लिए उठा तो मुझे पता चला फेसबुक के माध्यम से कि माननीय विधायक जी के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि मेरी गाड़ी के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या की गई है। मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि जो इस प्रकार की विधायक जी के द्वारा गंदी राजनीति की जा रही है, यह मौत पर राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। इन्होंने अब शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चढ़ा दो इन पे गाड़ियां, मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान बेचारा गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया। मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। राजनगर विधानसभा क्षेत्र में खजुराहो थाना अंतर्गत रनीफॉल रोड पर रात 3:15 बजे दो राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और उनके साथ समर्थक आमने सामने हो गए। इसके बाद इनमें कुछ विवाद हुआ और एक सलमान नामक युवक है, उसकी मौत हुई है। दूसरे राजनीतिक दल का यह आरोप है कि सलमान की मौत उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देने के कारण हुई है। इसका जो पोस्टमार्टम है यहाँ जिला अस्पताल में चल रहा है और मृतक पक्ष की तरफ से आवेदन थाना खजुराहो में लिया गया है और बहुत ही इसमें शीघ्र ही हम वैधानिक कार्रवाई कर देंगे। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम।